हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउ मिल्क के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है और सॉलिड के साथ साथ हम एक दूध का भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है वो है काउ मिल्क, क्योंकि अभी तक हमें यही दिया गया है। तो जो दादी और नानी है वो आके हमें काउ मिल्क ही बताएगी, लेकिन बच्चे को कोई भी नई चीज़ देने से पहले आप रिसर्च करो, डॉक्टर से बात करो और जेन्युइन रीज़न आपको मिले उसके बाद ही बच्चे को कोई भी नई चीज़ दो। तो ऐसा मेरे साथ भी था। तो रियांश के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की, डॉक्टर से बात की और मेरे को एक चीज़ समझ में आई, वो थी कि 1 साल से छोटे बच्चे को हमें काउ मिल्क यानी कि दूध का, गाय का दूध नहीं देना चाहिए। और उसके रीजंस भी मुझे काफ़ी जेन्युइन लगे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे मिला वो था कि जो गाय के दूध के अंदर मौजूद पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के जितने नहीं है। तो अभी जब बच्चा 1 साल का ग्रोइंग स्टेज में है, 1 साल तक बच्चा ग्रोइंग स्टेज में है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप्ड हो रहे हैं, तो उसमें उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू की बहुत ज़रूरत है और बच्चा ज़्यादातर दूध ही पीता है। तो उसको हम जो दूध ऐसा कोई दूध देना चाहिए जिसके अंदर उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जितनी कि ब्रेस्ट फीड के अंदर अभी तक उसे मिल रही थी। अब ब्रेस्ट मिल्क तो बेस्ट ही है, लेकिन अभी ब्रेस्ट मिल्क कम हो चुका है, तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हो? तो ब्रेस्ट मिल्क का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वो है फॉर्मूला मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है कि फॉर्मूला मिल्क काफ़ी महंगे मिलते हैं तो हम उसे अवॉइड करते हैं, बट बेबी के लिए अगर ब्रेस्ट फीड के बाद कुछ अच्छा है तो वो है फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क बनाया ही इसीलिए गया था कि अगर मॉम्स को अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो वो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज़ के अलावा वो सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड के थ्रू मिल सकते हैं। तो अगर आप 6 महीने के बाद कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो वो है फॉर्मूला मिल्क, और गाय का दूध तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं। दूसरा पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है गाय के दूध के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर कमी है वो है आयरन की। आयरन बच्चे में अगर कम हो जाएगा तो उसको खून की कमी हो जाती है और उसकी वजह से उन्हें अनेमिया हो जाता है। अब खून की कमी की वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं होगा, वो एकदम मतलब एक्टिविटी कुछ भी नहीं करेगा, वो एकदम सुस्त सा पड़ जाएगा। और जब बच्चा 1 साल तक ग्रोइंग स्टेज में है, उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत खून की होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, और जो प्रोडक्ट हम बच्चे को देने वाले हैं उसमें आयरन की ही कमी है। तो एक ये रीज़न भी है जिसकी वजह से हमें बच्चे को 1 साल से छोटे बच्चे को हमें काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है गाय के दूध के अंदर वो है विटामिन सी की। विटामिन सी जो है वो गाय के दूध के अंदर बहुत कम है, और जैसे कि हमें पता है कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। अब हमको पता है कि 1 साल तक बच्चे कितना बीमार पड़ते हैं, उन्हें तुरंत से वेदर चेंज या कुछ भी तुरंत से पकड़ लेता है और वो उन सबसे सामने फाइट कर सकते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर के, अगर उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो ही वो उन सबके सामने फाइट कर पाएंगे। तो अगर हम ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे उनमें इम्यूनिटी पावर ग्रो नहीं करेगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है कि जिसके वजह से हमें 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है। अब तीसरा पॉइंट है कि गाय के दूध के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन है। प्रोटीन तो अच्छा है बॉडी के लिए, लेकिन बच्चा जो है वो उतना ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे की जो किडनी है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इतना ज़्यादा प्रोटीन पचा पाए। तो अगर आप बच्चे को काउ मिल्क दे रहे हो तो आप उसकी जो किडनी है उस पर बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हो, तो बच्चे की जो किडनी है उसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ जाएगा और उसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे की जो किडनी है उसको डैमेज हो जाए, वो किडनी रिलेटेड बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि जब हम बच्चे को काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई बार उन्हें वो पचता नहीं है, उन्हें गैस हो जाता है, उन्हें पेट में दुखता है और कई बार बच्चों को लूज मोशन और इवन पॉटी में खून तक आ जाता है। इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा उसे पचा नहीं पाता है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से भी हमें बच्चे को
काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज जो है एक है वो है कि जैसे हम सभी को पता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है और जो फॉर्मूला मिल्क है वो टेस्ट में थोड़े से मीठे होते हैं, इसलिए बच्चा उसका टेस्ट इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। बट जो गाय का मिल्क है, जो काउ मिल्क है, वो फीका होता है टेस्ट में, तो बच्चा उसका टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर शुगर डाल के बच्चे को दे देते हैं। अगेन शुगर बच्चे को एक साल से पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवानी है, क्योंकि उसके वजह से बच्चे को मोटापा, ओबेसिटी या फिर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो शुगर तो वैसे भी बच्चे को नहीं देनी है, और काउ मिल्क है वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो दोनों प्रोडक्ट ही बच्चे के लिए अच्छे नहीं है। तो ये एक रीज़न भी है जिसकी वजह से बच्चे को काउ मिल्क एक साल से छोटे है तब तक नहीं देना है। अब ऐसा क्या हो जाएगा कि बच्चे को हम एक साल के बाद काउ मिल्क दे सकते हो? तो देखिए, एक साल के बाद भी हमें तुरंत से बच्चे को काउ मिल्क नहीं दे देना है, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे अगर बच्चा 5 फीड ले रहा है, 6 फीड ले रहा है, तो बस आप 1 फीड से स्टार्ट करो। और 1 फीड में भी कैसे स्टार्ट करना है कि बच्चा अगर 30 ml दूध ले रहा है 1 फीड में, तो आप उसे 20 ml से स्टार्ट करो। 2 से 3 दिन तक देखो बच्चा उसे पचा पा रहा है कि नहीं, बच्चे को उससे कोई गैस या फिर पेट में तो नहीं दुख रहा है, उसे कोई पॉटी में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर 3 से 4 दिन तक बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके उसके फीड बढ़ाए। तुरंत से एक साल के बाद भी आप बच्चे को गाय का दूध इंट्रोड्यूस ना करवा दें, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ही भारे है फीड पचाने के लिए। तो 1 साल से ऊपर के बच्चों को भी तुरंत से इंट्रोड्यूस ना करवाएं। और 1 साल के बाद बच्चों के लिए काउ मिल्क क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काउ मिल्क है वो विटामिन डी और कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। अब जैसे कि पता है कि विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे के लिए सनलाइट का इतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो थ्रू काउ मिल्क हम बच्चे को विटामिन डी दे सकते हैं। कैल्शियम जो उनके टीथ के लिए इतना ज़रूरी है, वो भी उनको काउ मिल्क के थ्रू मिल जाएगा। तो इसलिए 1 साल के बाद हम बच्चे को काउ मिल्क देना स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि जो कमी थी वो, तो वो कमी जो है विटामिन सी और आयरन की कमी, वो बच्चे को जो हमने सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर दिया है उसके थ्रू मिल जाएगा। तो एकदम बैलेंस डाइट हो जाएगा बच्चे के लिए 1 साल के बाद। और जो बच्चे को पचाने के लिए जो दूध भारे पड़ रहा था, तो 1 साल के बाद क्या होगा कि बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सॉलिड फूड खा के इतने मैच्योर हो गए होंगे, इतने डेवलप हो गए होंगे कि वो उसे धीरे धीरे पचाना स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए 1 साल के बाद बच्चे को काउ मिल्क देना सेफ है। आई होप मैंने वीडियो इन डिटेल कवर किया है। फिर भी आपको काउ मिल्क से रिलेटेड या और भी कोई क्वेरीज है, तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और इसे हर कोई पेरेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।